बाबा गरीबनाथ धाम की नगरी मुजफ्फरपुर में पहली बार भगवान कृष्ण के प्रिय गायों के बीच 108 श्रीमद् भागवत पोथी पूजन एवं मूल पाठ का वाचन श्री धाम वृंदावन से पधारे 108 आचार्यों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही भागवत उपासक आचार्य श्री ब्रजेश जी महाराज श्री धाम वृंदावन के द्वारा सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा एवं महापुराण कथा का विराट एवं भव्य आयोजन दिनांक 18 से 24 दिसंबर तक दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक गौशाला परिसर सिकंदरपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसके आयोजन को लेकर रविवार को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा गौशाला समिति के तत्वाधान में बैठक आयोजित की गई। मुजफ्फरपुर गौशाला के सचिव कृष्ण मुरारी भरतिया ने बताया कि आयोजन का मुख्य आकर्षण श्रीधाम वृंदावन से पधारे 108 आचार्यों के द्वारा 108 यजमानों के द्वारा पोथी पूजन के साथ स्वर स्वर भागवत का पाठ किया जाएगा। तत्पश्चात भागवत उपासक आचार्य श्री ब्रजेश जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. इकाई सिकंदरपुर गौशाला के इस प्रांगण एवं परिसर में 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आचार्य भागवत उपासक आचार्य ब्रजेश जी महाराज वृंदावन निवासी के द्वारा भागवत पाठ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन श्रीमद् भागवत कथा गौशाला समिति के द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ आयोजन में रहेगा? आयोजन के अंदर में भागवत कथा हो रही है, लेकिन इसकी खासियत यह है 40 साल पूर्व संत डोगरे जी महाराज की यहाँ कथा हुई थी। उसके बाद बहुत सी कथाएँ मुजफ्फरपुर शहर में हुई है, बड़े बड़े कथावाचक और संतों की कथाएँ हुई है, लेकिन 40 साल बाद यह परम सौभाग्य का विषय है मुजफ्फरपुर वासियों के लिए कि 108 पोथी यजमान की कथा हो रही है। मतलब यह है कि 108 भागवत जी की स्थापना होगी, जिसके 108 अलग अलग उसके वाचन करने वाले विद्वान ब्राह्मण श्री धाम वृंदावन से यहाँ पधार रहे हैं और 108 यजमान होंगे। 108 यजमान संकल्प लेकर उनके पूर्वजों के नाम से, उनके पितरों के नाम से, उनके नाम से भागवत का पाठ होगा और भागवत जी की स्थापना होगी। क्या उद्देश्य है इस भागवत कथा के आयोजन का? भागवत कथा का उद्देश्य है हर सनातन हिंदू के मन में यह रहता है, जैसा कि भागवत कथा होती है, कि हमारे परिवार में एक भागवत की कथा हो। भागवत कथा का जैसा महात्म है, इसका महात्म यह है कि भागवत कथा के द्वारा किसी को पितृदोष से छुटकारा मुक्ति पानी हो, उसका एकमात्र और सबसे बड़ा साधन भागवत कथा का अपने घर में भागवत जी की स्थापना करानी है, भागवत कथा का पाठ कराना है, यह सबसे बड़ा होता है। और घर की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए भागवत जी कथा का पाठ कराया जाता है। परंतु आज के समय के हिसाब से भागवत कथा का पाठ इतना बृहत होने लग गया, जो कि घरों में छोटी जगह होती है तो घर में नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है, और जितनी बड़ी व्यवस्था होती है उतनी व्यवस्था अकेले परिवार के बस की नहीं होती है। इसलिए भागवत कथा आज रिसोर्ट में या विवाह भवन में लोग आयोजन कराते हैं तो ये बड़ा आयोजन हो जाता है और लोग सोचते रहे, सब कुछ साधन के बाद भी लोग सोचते रहते नहीं करा पाते हैं। तो इसीलिए मुजफ्फरपुर गौशाला कथा समिति के द्वारा या भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें कि सामूहिक रूप से भी होगा और खूबी यह कि सबका अलग अलग पाठ भी होगा, अलग अलग उनके पुरोहित होंगे भागवत कथा का पाठ करने वाले, और उनके मन की कामना अभिलाषा, उनके पूरे परिवार की अभिलाषा पूरी हो जाएगी और भागवत कथा का पाठ होगा। और एक कथा का ही इतना बड़ा महत्व है तो आप सोच सकते हैं कि 108 भागवत जी का जहाँ पाठ होगा, संस्कृत में पाठ होगा पूरी कथा भागवत जी का, कितना बड़ा महत्व मुजफ्फरपुर शहर के लिए, इनके निवासियों के लिए सुख समृद्धि का कितना बड़ा कारण बनेगा। कब से कब तक? ये 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक।